तो सबसे पहले गाइस ये देख लीजिए, यहाँ पर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बिल्कुल हाइड हैं, ठीक है। अगर आपको हाइड करना नहीं आता वो मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। अगर चैनल पर पहली बार हमें देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको हाइड करने के लिए आपका चैनल यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पर ये चैनल है, यहाँ पर आपको फिर गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टूडियो, मतलब आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर जैसे ये आ जाता है studio.youtube.com, ठीक है। अगर ऐसे ही सर्च कर दोगे जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है तो वो क्रम जो बीटा है वो आपका यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा studio.youtube.com, और इसको लिखने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर आपका चैनल आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सब्सक्राइबरों को किस तरीके से हाइड करना है, छुपाना किस तरीके से। देखो वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अपने सब्सक्राइबर को छुपाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वो सोचते हैं कि यार इस चैनल पर तो इतने ही सब्सक्राइबर हैं। तो आपको अपने सब्सक्राइबर को हाइड करना बेहद ज़रूरी होता है, तभी उनको यार लगता है कि शायद इसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे या अच्छे खासे सब्सक्राइबर होंगे। अगर 100 200 500 सब्सक्राइबर होते हैं तो उसको लगता है कि यार कोई फ़ायदा नहीं इस चैनल पर, ठीक है। तो अपने सब्सक्राइबर को 1000 होने से पहले आपको हाइड करना है, 1000 होने के बाद आपको उनको हाइड करना है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सेटिंग के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, 3-4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आएगा एक चैनल का ऑप्शन, ठीक है। सेकंड नंबर पर एक चैनल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस चैनल के ऑप्शन पर ही आपको डायरेक्ट क्लिक करना है। यहाँ पर एडवांसड सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पर, इस एडवांसड सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। एडवांसड सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ चले आना है, और यहाँ पर मिलेगा एक ऑप्शन सब्सक्राइबर काउंट का, ठीक है। सब्सक्राइबर काउंट का डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल, मतलब आपके सब्सक्राइबरों को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आपको इसको ग्रीन टिक, मतलब यहाँ पर इसको टिक कर लेना है, ठीक है। ये टिक हो चुका है। अब अगर आप इसको सेव कर दोगे, सेव करने के बाद जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। मैंने हाइड कर रखा था, अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो अनहाइड हुए हैं या नहीं हुए। अनहाइड की भी यही वीडियो है और हाइड करने की भी इसी वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक आप बने रहना। देख लीजिए गाइस, यहाँ पर हमने जैसे रिफ्रेश किया अपने चैनल को, और यहाँ पर देख लीजिए हमारे सब्सक्राइबर दिखाई दे चुके हैं। अब मैं बताता हूँ फिर आपको उनको हाइड कैसे करना है। हाइड करने का भी इससे यही प्रोसेस है गाइस। यहाँ पर आपको फिर से सेटिंग के ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक कर लेना होगा। सेटिंग के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, चैनल पर क्लिक कर लेना है। चैनल पर अगर आप क्लिक करेंगे, एडवांसड सेटिंग पर क्लिक करना है, नीचे की तरफ आ जाना है, ठीक है। नीचे की तरफ जैसे आप आओगे, यहाँ पर वही ऑप्शन आपको दिखाई देगा सब्सक्राइब का, ठीक है। इस सब्सक्राइब का ऑप्शन जो टिक है आपका, ये इसको आपको अनटिक कर देना है, ठीक है। जो हमने अभी टिक किया था इसको हमें अनटिक करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये हमारा सेव हो जाएगा, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, फिर वो हाइड हो जाएंगे ऑटोमेटिक से, ठीक है। हाइड करना ज़रूरी है 1000 सब्सक्राइबर होने से पहले, आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ये देख लीजिए हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हाइड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबरों को हाइड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करना, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।